छाछुगनी गांव का बेटा है, कौन छाछुगनी, विजेंद्र छाछुगनी का छोटा भाई, बहुत ही शानदार ताकतवर लड़के में जोरदार ताड़िया विजेंद्र छाछुगनी। और भाई एक टीम में तीन सगे भाई खेल रहे हैं छाछुगनी में, और उल्टी कच्ची बाबा के द्वारा, बाबा के द्वारा बहुत ही शानदार कच्चर, उल्टी कच्चा प्रयास और पवन के 440 वोल्ट के झटके, देखें कामयाबी किसे मिलती है। और कैच भाई मलिक मेहता के खाते में एक पॉइंट जाता है। और भाई अगली राइड के लिए अशोक नेहरा गांव निंदाना, बहुत ही ताकतवर छोटे के जितना बहुत ही महान खिलाड़ी, और सामने हिंदुस्तान के आन बान शान भाई विजेंद्र छाछुगनी, जिन्होंने 1988 में, ये है विजेंद्र छाछुगनी, 1988 में पहला राष्ट्रीय खेल पुराना किया था पंजाब के खिलाफ लड़ाई में, और लगातार 26 साल से हिंदुस्तान की आन बान शान विजेंद्र छाछुगनी। और वे खिलाड़ी की झूठ में छाछुगनी की टीम का हिस्सा है प्रीतम मायना जिला रोहतक, मायना रोहतक गांव का बेटा प्रीतम, एक खिलाड़ी की झूठ में जितेंद्र काले के साथ मुकाबला, लाल दबाव खिलाड़ी प्रीतम, एक अंक का फायदा छाछुगनी को। और वे ये है सिंह गांव का बेटा कृष्ण मलिक, एक खिलाड़ी की झूठ में निदारा जिला रोहतक का खिलाड़ी, निदारा जिला रोहतक की टीम का हिस्सा है कृष्ण मलिक गांव सिंह, और विजेंद्र का छोटा सगा भाई पवन छाछुगनी, और ये तो विजेंद्र के दो लड़के आ गए कबड्डी में, जोरदार तारे में इस भाग लाड़ी ने तीन सगे भाई खेल रहे हैं। और देखिए शानदार कोशिश जितेंद्र काला, कल भी इस खिलाड़ी ने बहुत शानदार कैच लगाई थी, आज फिर पवन छाछुगनी को लगातार दूसरी कैच, एक जितेंद्र काला और एक बाबा है, और वे जो काले कच्चे में है भाई सुरेंद्र छाछुगनी, ये भी विजेंद्र का छोटा भाई है, तीन सगे भाई हैं, ये खाकड़ के तीन खेल रहे हैं, और दो विजेंद्र के लड़के हैं वो भी इस टीम में शामिल हैं। भाई विजेंद्र ने सवाल काम है, बहुत शानदार कबड्डी की अकेडमी चला रही है, यदि कोई माँ बाप अपने बच्चों को कबड्डी खिलाना चाहते हैं तो विजेंद्र छाछुगनी संपर्क करें, इसके पास कम से कम 70 छात्र हैं जो कबड्डी सीख रहे हैं, ऑफ सीजन होते हुए भी नई कबड्डी का सीजन जारी है, फिर भी उस अकेडमी में शानदार रौनक है। और विजेंद्र निंदाना बहुत शानदार कैचर, प्रीत मायना रफ्तार का खिलाड़ी, शानदार मैच। और हेलो कृष्ण सिंह, हाँ जी श्री सतबीर सरपंच गांव बैठता हूँ, श्री सर सतबीर सरपंच गांव बट गांव, इस आयोजन समिति को खेल कमेटी को 5100 रुपए का योगदान देते हैं, सरपंच साहब के लिए तालियां बजाइए, 5100 रुपए का योगदान दिया सतबीर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों महात्मा हमारे मध्य बैठे हैं, इसलिए उनके लिए बोलना बहुत अनिवार्य हो जाता है, महात्माओं के 6 गुण सुनिए, दान को गुप्त रखना, घर में मेहमान का सत्कार करना, पराया बला करके चुप रहना, और दूसरे के उपकार को सबके सामने कहना, धनी होकर गर्व न करना, और पराय बात निंदा रहित कहना, ये महात्माओं के 6 गुण, जो अपनाएगा इंसान शायद अच्छा इंसान हो जाएगा। हमने बाबा भोलादास जी से बहुत पूछी, कहा हुई हम तभी मौका मिलता है, तभी प्रजा के सामने, साथियों के सामने, बड़े छोटों के सामने विचार करते हैं, कुछ आवश्यकताएं होती है। प्रीत मायना खेड़ो फिलहाल चल रही है, जोगिंदर जी हो जी धन्यवाद, सुरेश लाल जी आप गांव के मान सम्मान करते हो बताते हुए, और प्रीत मायना नवीन का मुकाबला, नवीन का अच्छा प्रयास, नवीन के बाद लेकिन प्रीत का मुकाबला,
पांड्या और दिलसत सिंह गेट के सामने फिर खड़े हो गए आप लोग। ये इलाका इतना पढ़ा लिखा है, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जीन का थोड़ा सारे में तो मान लिया है यार, बात यार क्यों हो रही है? फिर से ना पैसे ना करें, आपको पॉइंट मिल चुका है, कोई बात नहीं। और शानदार मैच है, फिर पांच छह छोटी पानी पर चली गई, आठ पांच सात विजेंद्र छोटी छोटे भाई और बहुत ही शानदार सुपरस्टार बैटर पांच छह छोटी घोषणा श्री अजीत सिंह मनोहरा ने जितेंद्र काला ने दल को 500 रुपए इनाम दिए, तालियां बजाइए पहलवान जी के लिए। 500 रुपए शानदार कैच किए जितेंद्र काला ने। प्रवीण प्रधान मंडोरी सरपंच 500 रुपए उनकी तरफ से, 1000 रुपए की कैच हो गई भाई। और मैं बात कर रहा था नहीं मैच के बारे में, मैं बात कर रहा था काला की, जितने भी काले बेहतरीन कबड्डी खेले, जितेंद्र काला निंदाणा हो, लाट काला हो, लाट लजवाना हो, लाट धनौरी वाला काला हो, धंडली वाला काला हो, जितने काले हैं सभी अच्छा, अगर सूर्य वाला काला हो चाहे समनिया काला हो और जो जो काले आपके सामने आएंगे उनका भी कारनाम आपको बताएंगे। राजेश ठेकेदार भी जितेंद्र काला को 500 रुपए देते, 1500 रुपए जितेंद्र काला के मेरे पास है। और जसप्रीत मायना बाबा ने इस मैच में अभी तक दूसरी कैच, पहली कैच पवन को लगाई, दूसरी कैच बाबा ने प्रीतम मायना को लगाई। और साधु कड़ी जोगिंदर जी ऐसी टीम में कभी भी वापसी कर सकते थे। कैसन मलिक गांव सीख जिला पानीपत, और जैसे कि आपके अपनी भाषा में कहते हो फिलहाल निर्णय कैसा सुंदरा विजेंद्र था जोगिंदर का छोटा बड़ा भाई सुंदरा, लेकिन वो उम्र का तकाजा है, हान नान पैरा है, गुजर कह के चले गए। बहुत सी चूड़ी, बहुत ही शानदार चार खिलाड़ी काट का मामला निर्णाणा और कच्चा और विजेंद्र अच्छे टेक्निकल इस्तेमाल करता था करना चाहते थे भाई विजेंद्र टिंडा गांव में दारा। फिर अमित कुमार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट था भाई, ऑल इंडिया दृष्टि में मित्र ने गोल्ड मेडल लिया हो तक के लिए और शानदार प्रदर्शन सत्य के साथ मुकाबला मित्र का गया एक और निर्णायक खाते बच्चे से साथियों रणदीप मैं आऊ घर पर आई हूँ अपना भी
अच्छा प्रयास रणजीत द्वारा लेके और ये हां मैं तो रहा तमड़िया स्पेदी करी तड़केगी यार बहुत सफेद वाला रण की तरह एक दूसरे का नाम बोला कितना ले डरा ही देख रहा है बहुत बुला एक बार सफेद वाले को नाम की आवाज सुनो और अशोक ने रहा गया मेरे रेड पे हां पूरे ग्राम तक रहा देंगे पहले सेंटर लाइन को कवर करो भाई और अशोक ने सामने चल के चल रणदीप विजेंद्र सुरेंद्र और अच्छा मुकाबला हो देखिए हिंदुस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं विजेंद्र चातुर्वेदी जिनके हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्यादा विदेश में टूर है पांच सबसे पांच खिलाड़ी हमारे बीच में विजेंद्र चातुर्वेदी आप 1988 से अभी तक दौड़ने कितने साल हो और नवीन बहुत रफ्तार खिलाड़ी है फर्स्ट हाफ में बहुत ही कैच लगी कोई खास बात नहीं लेकिन तभी भी एक खिलाड़ी हौसला नहीं तोड़ता थे हर रेड ऐसे लगाता जैसे पहली रेड लगा रहा मैं नमन करना चाहता हूँ विजेंद्र चातुर्वेदी इस महान खिलाड़ी को जिसने अपने साथ साथ अपने भाइयों को भी खिलाड़ी के रूप में तैयार किया एक नहीं दो नहीं तीन तीन भाई कबड्डी खेलते सबसे पहले और देखिए कामयाबी मलिक को डबल टचवा रणदीप को टच कर दिया था और एक पैचर भी आउट हो गए प्रीत मायना दर्शक साथियों हरियाणा प्रदेश का बहुत अच्छा खिलाड़ी प्रीत बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी एक बार फिर मैदान में पड़े अच्छा मुकाबला चलता हुआ मैदान और छात्री दर्शक बहुत ही शांति के साथ में देखते हो जानते हैं कि परिणाम कुछ भी हो सकता हो उल्टी कैची पहले से ही बाबा ने निर्णय कर लिया था कि उल्टी कैची के लिए सही समय उसका चक्कर जोड़ा प्रीतम और 20 सेकंड की लड़ाई में बाबा का नाम जोड़ा ताने को निर्णय इंडियन शानदार जल्दी जल्दी और उल्टी कैची हरियाणा में लाया यह कैच सोनू फरमाना करण प्रवीण दरियावाला रणवीर सिंह ने 7 रुपए के लाने में लिखा है और जो काला मोगरा ने इस तकनीक को जन्म दिया टेक्निक को जन्मा है उत्पन्न किया है उसी के दौरान बाबा ने तीसरी और चौथी कैच लगाता हुआ हाँ जी गोविंद और हरियाणा सरकार को उस काला मोगरा को खेल नीति के तहत पंचायत सचिव के तौर पर भर्ती किया मैं उस खिलाड़ी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना महान खिलाड़ी छोटे भाई बड़े भाई कमेटी जाली है ऐसा कार्य ना करवाओगे कमेटी को कोई बात सुनने को मिले आप सभी का सहयोग बहुत अनिवार्य है टूर्नामेंट को अगर आपने चार चांद लगाने हैं तो हर चीज को देखना पड़ता है भाई नंबर गाड़ी जिस भाई की है जिस सज्जन पुरुष की वो अपनी गाड़ी को साइड में पार करे मौके पर जो राजा खटकर मैंने ये जो फिल्म बनाते हैं उसमें 10 मिनट बादशाह हो सा था बीच में आ गया तो हाँ भाई तो बैठ में आ जी जान रहा अरे ये तो मैं दरकम दुकानदारी का नाम सुन जाए और देखिए भाई शानदार जोरदार चटके विजेंद्र ने कैच कर के विजेंद्र बीता और एक और अंतर नाम बढ़ता हो दर्शक साथी आ रहे हैं संस्कृति ऐसी है नाम का नाम है जानते होंगे
सरदार खेती के बीच में है, उस राज में एक सरदार आए साल कंपेन लेगी क्यों बन रहा करता कमाल का एक बार फिर अमित मितु आपके छोटे भाई का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चीन से चल के यहाँ सक्सेस कराने के लिए, और हाथ जोड़ के कराएंगे सक्सेस कराएंगे। खाली रखिए भाई, सुबह से कल से हाथ जोड़ रहे हैं, फिर ऐसा नहीं हम कंप्यूटर नहीं इंसान है यार, और बेचारे सहयोग कीजिए आप, हमारा सहयोग करोगे तभी टूर्नामेंट का नाम हिंदुस्तान में जाएगा। हर तरीके से आपने बेटर करा क्या, हर तरीके से, लेकिन थोड़ी बात बदली मतों को, इधर से बैठ बैठ के लाइन पर जा लिए, कैसे व्यवस्था होगी बताओ। मैं तो हाथ जोड़ रहा 5 साल के बच्चे के सामने भी हाथ जोड़ रहा हूँ, 100 साल के बुजुर्ग के सामने भी हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा थोड़ा होता है। मैं ये कह रहा हूँ 20,000 दर्शक आपके अपनी टूर्नामेंट में आपके सहयोग से और आएंगे और आराम से बैठ के देखेंगे, लेकिन कोई दिक्कत तो 1% यहाँ है, बाकी कितने लोग हैं 2 दिन से देख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। रैलियां लगाई है 100-100, और मैं ये तो धन्यवाद करना भूल ही गया था, जो कल हमने रिक्वेस्ट करी हमारे गांव से गुआन से सभी टैली लेके आए उन किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, ताकि आपने हमारा सहयोग किया और पब्लिक के बैठने के लिए जगह बनाई और एक स्टेडियम का रूप धारण किया। जैसे पहले पब्लिक खड़ी उसके पीछे गैप है, पहले पानी फिर गैप और फिर टैलियां, टैलियों में बैठ के देखे, ताकि जो आदमी खड़े उनके ऊपर से देख सकते हैं आप।